हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम विशोई पहुंचे बाड़मेर। बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विशोई गुरुवार को बाड़मेर पहुंचे। वे सीधे बाड़मेर जिला अस्पताल गए। उन्होंने वहां बढ़ते डेंगू के मरीजों के चलते अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर से लानी पड़ती है दवाइयां सुनकर प्रभारी मंत्री सुखराम विशोई ने चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों को लताड़ा। प्रभारी मंत्री सुखराम विशोई ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के स्टोर का निरीक्षण किया। अस्पताल में उन्होंने मरीजों के वार्डों में जाकर पर्ची देखी व मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से पूछा कि दवाई बाहर से लाते हो या यहाँ मिलती है। कुछ दवाई बाहर से लाने का सुनकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने की दवाई बाहर से नहीं लेनी है, सरकार की तरफ से फ्री दवाई मिलती है। फिर प्रभारी मंत्री ने दवाई के स्टोर में जाकर देखा। उन्होंने संबंधित लोगों से जांच करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने पर्चियां एसडीएम को सौंपी और कहा कि जांच कर बताएं। दवाई बाड़मेर स्टोर में लाने के लिए दो दिन लगने को सुनकर पीएमओ से पूछा। प्रभारी मंत्री के साथ बाड़मेर विधायक और जिला कलेक्टर समेत प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।